खड़ा हूँ आज भी रोटी के चार हर्फ लिए। सवाल ये है कि किताबों ने क्या दिया मुझको। अफसोस, किताबों को लिखने वाला भी किताबों के सहफों में दफन है। किसी सूखे गुलाब की तरह जब बर्फ खोलो तो महकने लगती है शख्सियत उनकी। चमकती जिल्द की सूरत कहाँ बताती है कि किन पथरीली राहों से गुजरा होगा वो शख्स। कांटों ने कितना छलनी किया कि जिंदगी नासूर बन गई। कौन जानता है कि इन हर्फों की काली नीली स्याही तले कई जज्बात चिने हैं। जरा सी उंगलियों की हरारत पाकर सर्द रूहें भटकने लगती हैं और फिर रूहों के साए वाली रातों में किरदारों को पढ़ने वालों को नींद नहीं आती। वही ख्वाब कई रातों को घेर घेर ले जाते हैं उन्हीं अनदेखी अनजानी राह पर, जहाँ एक बुझा बुझा गाँव मिलता है लम्ही, जहाँ की ढहती दीवार एक नाम प्रेमचंद सहेजे मर रही है। प्रेमचंद के गांव लम्ही जाकर लेखिका कविता अरोड़ा ने अपने जज्बात कुछ इसी तरह से बयान किए। कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद की आज पुण्यतिथि है। शब्द कहें या हर्फ, हिंदी कहें या उर्दू, धनपत राय से प्रेमचंद बने कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद अपने हर शब्द, अपनी हर कहानी, अपने हर उपन्यास में जिंदा हैं। युवा लेखक नवीन सिंह चतुर्वेदी की कविता का तो शीर्षक ही है कलम के सिपाही श्री मुंशी प्रेमचंद। उनका अंदाज देखिए, कलम के जादूगर, अच्छा है आज आप नहीं हैं, अगर होते तो बहुत दुखी होते। आपने तो कहा था कि खलनायक तभी मरना चाहिए जब पाठक चीख चीख कर बोले मार मार इस कमीने को। पर आजकल तो खलनायक क्या, नायक नायिकाओं को भी जब चाहे तब मार दिया जाता है और फिर जिंदा कर दिया जाता है और फिर मार दिया जाता है और फिर जनता से पूछने का नाटक होता है कि अब इसे मरा रखा जाए या जिंदा किया जाए। सच, आपकी कमी सदा खलेगी हर उस इंसान को जिसे मोहब्बत है साहित्य से, सपनों से, स्वप्न दृष्टाओं से, समाज से, पर समाज के तथाकथित सुधारकों से नहीं। हे कलम के सिपाही, आज के दिन आपका सबसे छोटा बालक आपके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन सादर समर्पित करता है। वाकई कलम के सिपाही को मैं मुमताज खान साहित्य तक और सभी हिंदी प्रेमियों की तरफ से उनके पुण्यतिथि के मौके पर नमन करती हूँ। शुक्रिया।